देखी कल दिन भर में जो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए थे वो लगभग 1611 की संख्या में थे, जिनमें से 1407 की रिपोर्ट रात तक हमें प्राप्त हो गई थी। उनमें 1354 पेशेंट्स के जो सैंपल थे वो निगेटिव आए थे और 53 पेशेंट्स के सैंपल पॉजिटिव आए थे। तो इंदौर की कुल जो अभी संख्या है वो 1780 पहुँच जाती है। कल 69 यानी कि 69 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया था और उसके बाद जो हमारी इंदौर की रिकवरी रेट है वो 41 पे पहुँच गई, 40 को क्रॉस करके 41 पे पहुँच गई, जो एक अच्छा संकेत है। क्वारंटाइन हाउस में भी हमारे पास 1868 लोगों को हम छोड़ चुके हैं और वर्तमान कल भी 14 लोगों को वहाँ से छोड़ा था हमने। सेवा कुंज और रॉबर्ट नर्सिंग होम से भी कुछ लोगों को छोड़ा था। अभी वर्तमान में डिस्चार्ज की संख्या ज़्यादा हो रही है बजाय इसके कि पेशेंट जो नए हमारे पास आते हैं। अधिकांश इसमें से प्रभावित क्षेत्रों में से ही है और कुछ इसमें से नए क्षेत्र भी निकल रहे हैं। उन क्षेत्रों में कंटेनमेंट बनाकर और वहाँ पर प्रभावी कार्रवाई करने वाले हैं। सर, गोकुलदास की ओर से सफाई आई है तो क्या पर भी कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि लापरवाही तो है, कई ऐसी गलतियाँ की है जो जान पर जोखिम रहा है। कमिश्नर महोदय ने एक उच्च स्तरीय जाँच समिति बना दी है जो कि 3 सदस्य है और वो शीघ्र उन्होंने कल से जाँच भी शुरू कर दी है। तो ये जांच के पश्चात ही तय हो पाएगा कि इसको कौन कहां तक कितना गलत है।